तो गिवन अ नंबर एन अरे ए ऑफ एन नंबर्स, प्रिंट द नंबर आफ्टर सॉर्टिंग देम, डोंट यूज द बिल्ट इन फंक्शन. तो देयर इज अ बिल्ट इन फंक्शन इज कॉल्ड लाइक सॉर्ट. ओके, देयर इज बिल्ट इन फंक्शन वी कॉल सॉर्ट. ओके, सो राइट नाउ वी आर डूइंग सॉर्टिंग फंक्शन. ओके, दिस वन. सो एक सॉर्ट करके एक फंक्शन है, वो बिल्ट इन फंक्शन है, गिवन है इन सी प्लस प्लस. यू कांट यूज इट, दे एक्चुअली नोट. ट्राई टू सॉल्व इट यूजिंग बबल सॉर्ट एल्गोरिथम एंड सिलेक्शन सॉर्ट. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन वॉच दिस लेक्चर. ओके ओके, सो सी दैट देयर इज समथिंग लाइक दैट. ओके ओके, आई एक्चुअली सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन अ वेरी डिफरेंट वे. ओके, मैं एक बहुत अलग वे में सॉल्व करते हैं, ना ही बबल शॉर्ट यूज कर रहा हूँ, मैं सिलेक्शन शॉर्ट यूज कर रहा हूँ. पर तुम लोग इसको ट्राई करना है दोनों एल्गोरिथम से. ठीक है ठीक है, इसको मैं सॉल्व करूंगा फ्रीक्वेंसी अरे से. किससे करूंगा मैं? फ्रीक्वेंसी अरे से. देखो फ्रीक्वेंसी अरे है ना, क्या होगा कि वी हैव टू लाइक, साइज काफी कम है, देख रहे हो यहाँ पे. पर एक चीज है कि माइनस नंबर पॉसिबल है. नंबर क्या है? -100 पॉसिबल है. और अरे में क्या जो इंडेक्स होता है वो क्या नेगेटिव हो सकता है क्या? इज इट पॉसिबल द इंडेक्स आर नेगेटिव, हाँ है ना? तो -100 को मान लो 0. याद रहेगा बात, -100 जीरो होगा, तो 100 क्या होगा? इफ -100 आर जीरो, -99 होगा 1, तो 100 क्या होगा? नाइनटी नाइन. हाँ, अगर तुम देखो ध्यान से, अगर इसमें इस जगह में 100 में से -99 घटाता हूँ, इट बिकम जीरो. ये मिल जाएगा जीरो ना? तो यहाँ पे जीरो, अगर मैं जीरो ला रहा हूँ यहाँ पे, तो मेरे को यहाँ पे क्या आना चाहिए? -100 आना चाहिए ना. आज क्या बोलूँ मैं? तो ये हाँ 200 ही होगा 100 पे. बात समझ आया क्या मैं बोल रहा हूँ इंडेक्स का? कि ये 100 का 200 नहीं होगा. देखो 100 का 200 इसलिए होगा कि 100 -200 करूंगा मैं, इधर इक्वल टू 0 आएगा कि नहीं ये बताओ मेरे को. और ये क्या आएगा, -100 आएगा कि नहीं? अरे -100 क्या है, 0 ही है ना, मैंने 0 हाँ माना है. तो 100 का 200 होना चाहिए कि नहीं? ये समझ आ रहा है बात क्या बोल रहा हूँ मैं? ये बात समझ आ रहा है क्या? ये चीज समझ आया तुम्हें, तुम लोगों को? देखो इसमें दिखा दो, -99 के क्या होगा, तुम बताओ मेरे को, 1 होगा कि नहीं? अगर है -100 का 0 है, तो -99 का क्या होगा? 1 होगा ना. एक हाँ एक अधिक होगा इंडेक्स, इंडेक्स बढ़ेगा वैल्यू यस घटेगा. सर, गॉट यू. जैसे ही -99 से इधर ले आओ -1 को, तो ये 0 हो गया. और ये क्या आ गया फिर से, -100 माइनस आया कि हंड्रेड नहीं? तो काम करो ना इक्वेशन, तो ये 200 होगा. नाउ आई अंडरस्टैंड, ये -100 को क्या करूंगा मैं इसको जीरो इंडेक्स ट्रीट करूंगा. -99 को वी आर ट्रीटिंग 1 इंडेक्स, ठीक है? और 200 को, सॉरी 100, क्योंकि लास्ट वैल्यू क्या है इसका, 100. देखो सी दैट कंस्ट्रेंट, 100 वी आर ट्रीटिंग क्या होगा, 200. समझ आया बात? हाँ चलो ठीक है. तो अभी क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 312 है ना, 312 है, हम क्या करेंगे फ्रीक्वेंसी एरे बना देंगे. ठीक है, कितने कितनी साइज होगी इस फ्रीक्वेंसी एरे की? 201, क्योंकि मैक्स साइज क्या होगी, 200 ही होगी. जो 100 की जो इंडेक्स होगी लास्ट वैल्यू, वो 200 की होगी, 200 होगी. तो 201 बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए इंडेक्स की, अरे की साइज? क्योंकि मेरे को इंडेक्स चाहिए ना 200 इंडेक्स. 200 के लिए मेरे को साइज क्या चाहिए, 201 चाहिए ना? यस और नॉट? डिड यू गेट दिस पॉइंट? द साइज ऑफ अरे इज डिपेंड ऑन, लाइक इफ आई रियली नीड 200 इंडेक्स, तो आवर साइज मस्ट बी 201 ना, एटलीस्ट तब ना 200 एक्सेस कर पाएंगे. ये बताओ मेरे को बात, समझ आया बात? हाँ 3 का कौन सा इंडेक्स होगा बताओ मेरे को, 3 का कौन सा इंडेक्स होगा?
थ्री का कौन सा इंडेक्स होगा? 100 का हो गया, सॉरी 100 का होगा 200 हो गया, थ्री का कौन सा होगा? सोचो मेरे को यहाँ 0 लाना है, और यहाँ सोचो मेरे को 100 लाना, -100 कैसे लाओगे? 3 में क्या करोगे कि -100 आ जाए? माइनस वन जीरो थ्री -1 0 ठीक है, तो 103 जो इंडेक्स होगा वो 103 इंडेक्स में जाओ ठीक है, और यहाँ पे क्या करो, 3 का जगह में 1 लिख दो। इसका मतलब कि एक नंबर 3 है जो 103 इंडेक्स में है ठीक है, ये एक नंबर है, बाकी सारे नंबर अभी 0 है। फिर 1 का बताओ कौन सा इंडेक्स होगा? 1 का -101 है ना, 101, 101 इंडेक्स में इसकी इंडेक्स क्या होगी? 1, मतलब ये एक नंबर जो है 1, और ये जो 3 है इसकी कितनी फ्रीक्वेंसी है? एक फ्रीक्वेंसी है, 1 फ्रीक्वेंसी है। फिर 102 में होगा 2, इसकी फ्रीक्वेंसी 1 ठीक है। नाउ नाउ गेटिंग, नाउ यू गेटिंग, ये 5 मैं फ्रीक्वेंसी स्टोर कर लिया हूँ, ये समझ आ रहा है तुमको? बाकी सब 0 है, बाकी सब 0 है। एक चीज देखो, ये सॉर्टेड है, कैन आई से दैट? ये सॉर्टेड है, पहले 1 आएगा फिर 2 आएगा फिर 3 आएगा, कैन आई से यस और नॉट? ये अरे सॉर्टेड है, समझ आ रहा बात क्या बोल रहा मैं? ये बात समझ आ रहा है क्या? इसमें कोई डाउट है यहां तक? तो सॉर्टेड है, तो मैं क्या करूंगा, लूप ट्रैवर्स करूंगा, अब पता करूंगा कि वैल्यू 0 से बड़ा है कि नहीं। 0 से अगर बड़ा है तो मैं प्रिंट करूंगा, जैसे ये बड़ा है 1 तो मैं प्रिंट करूंगा, 1 कितना बार प्रिंट करना है मेरे को? 1 टाइम, तो 1 प्रिंट कर दिया, इसको मैंने 0 कर दिया। फिर 2 आया, 2 1 से बड़ा है तो 2 को भी एक बार प्रिंट कर दिया, 0 कर दिया, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। नाउ मेरे को इंडेक्स प्रिंट करना है, नाउ नाउ अंडरस्टैंड, 3 भी 1 से बड़ा है तो इसको 0 किया, कौन सा इंडेक्स है ये? 3 इंडेक्स है, 1 2 3। नाउ दे आर सॉर्टेड और नॉट, टेल मी आर दे सॉर्टेड और नॉट? सॉर्टेड हो गया ना, सॉर्टेड हुआ कि नहीं? 1 2 3। तो दिस इज द आइडिया ऑफ फ्रीक्वेंसी एरे ओके। पर फ्रीक्वेंसी एरे में एक प्रॉब्लम क्या होता है ना, देखो ये तो मैंने बना दी फ्रीक्वेंसी एरे में, सबसे बिगर प्रॉब्लम होता है कि इंडेक्स, इंडेक्स हमेशा पॉजिटिव होता है फ्रीक्वेंसी एरे का। अरे यहाँ तो पॉजिटिव होगा तो इसमें नेगेटिव नंबर आता नहीं है, पर यहाँ पे क्या है, हमने बस एक थोड़ा ट्रिक खेला कि -100 को 0 मान लिया, पर कंस्ट्रेंट कैन बी वेरी बिग, तब आप फ्रीक्वेंसी अरे यूज कर सकते हैं। अरे आपको भी है ना, तब अब 10 का पावर 6 से ज्यादा लेंथ नहीं होती अरे की, 10 के पावर 7 से ज्यादा, इससे ज्यादा स्पेस नहीं रह सकते आप। स्पेस भी काफी 64 MB दिया, काफी इस कम स्पेस है ठीक है। और लेट्स सपोज अगर एक अरे जो है वो मेरा 4 बाइट ले रहा है ना, कितना लेता है अगर मैं इंटीजर टाइप है तो डेटा टाइप 4 बाइट 4 बाइट, और इसकी साइज कितनी है? 200, साइज 200 होगी ना, साइज मैं 200 ले रहा हूँ तो 200 साइज होगी कि नहीं? तो बताओ मेरे को, 200 × 4 तो 800 बाइट होगी मेरी, 800 बाइट होगी ठीक है। और जो 800 बाइट होगी इसको अगर तुम MB में चेंज करोगे तो 1 MB से कमी होगी ना, और यहाँ पे 64 MB दिया हुआ है, तो स्पेस का कोई इशू नहीं होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए कि इश्यू बताओ मेरे को, कोई इश्यू होना चाहिए कि स्पेस का हाँ है ना? नाउ अंडरस्टूड दिस पॉइंट, कैसे इश्यू करते कैसे? यही अगर 8 MB 8 बाइट होता, अगर लॉन्ग लॉन्ग होता तो 8 बाइट होता, तो 8 लगता मेरे को ठीक है, 2 MB जाता तब भी कोई इश्यू नहीं होगा लॉन्ग लॉन्ग, पर ऐसे हम लोग काउंट करते हैं ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी अरे का आइडिया आया कैसे करते हैं, अभी इसको इंप्लीमेंट करें? तो एक तो लेंगे LLN, 3N ओके, एंड मैं लेता हूँ अरे ठीक है, LL अरे लेता हूँ। अरे साइज कितनी लेनी है मेरे को? 201 ठीक है, सारे इनिशियल वैल्यू क्या है? 0। कोई डाउट यहाँ तो बताओ मेरे को, यहाँ तक कोई डाउट है? 201 क्यों ले रहे पता चल रहा है? जीरो इंडेक्स में हाँ 0 इंडेक्स है और 100 लिमिट है उसका, कंस्ट्रेंट देखने में। तो मैं क्या करूँगा, 4 LL i = 0, i<+++। अब यहाँ पे देखो नंबर आ रहा है एक्स, अब जो एक्स आ रहा है वो हो सकता है पॉजिटिव हो नेगेटिव भी हो,
तो मेरे को बताओ अरे एक्स प्लस होना चाहिए, क्या होना चाहिए? अगर वो -100 है, एक्स की वैल्यू -100 है, तो मेरे को क्या ऐड करना चाहिए कि वो 0 हो जाए? एक्स -100 है तो, अगर एक्स मेरा माइनस हंड्रेड हंड्रेड है हंड्रेड हंड्रेड प्लस 100, ठीक है, तो देखो ये क्या होगा, -100 है तो क्या होगा, कौन सा इंडेक्स आ जाएगा? जीरो जीरो ना, तो अभी ये प्लस इक्वल टू 1 कर रहे हैं, या प्लस इक्वल टू 1 करो या प्लस प्लस कर दो, बात बराबर है? बात समझ आ रहा है क्या ये बात? ये डाउट समझ आ रहा है क्या? ये क्लियर हो रहा है बात? देखो मैं दिखाता हूँ एक चीज, देखो i 0 2 0 1 i प्लस प्लस, इफ अरे ऑफ i ग्रेटर देन 0 है, मतलब इस नंबर में वो नंबर प्रेजेंट है, अगर 0 से बड़ा है, आप मेरे को उसका इंडेक्स बताओ और क्या वैल्यू है वो बताओ, उस इंडेक्स में क्या वैल्यू है बताने को। तो अभी हमने निकाला गया था ये 103 इंडेक्स था ना, ये 101 था, ये 102 था, एग्जैक्ट में वही दिखेगा और शॉर्टेड भी दिखेगा। देखो दिख रहा है चीजें शॉर्ट में है कि नहीं बताओ मेरे को, देखो हाँ 2 3 5 7, 2 3 5 7 शॉर्ट है कि नहीं शॉर्ट है ना? यही मैं अगर मेरे को इसको लाना है जी ए बेस में, तो मैं क्या करूंगा इसको, आई -100 कर दूंगा ना, हाँ देखो 1 2 3 2 3 5 7 दिख रहा है, सही से आ रहा ना, देखो एग्जैक्ट आ रहा है, वही एग्जैक्ट आ रहा ना। अब 0 होगा तो -100 आ जाएगा ना अपने आप। एक और टेस्ट कर दिखाता हूँ करके, ताकि तुम्हें और अच्छा सा आइडिया जाए। लेट सपोज 2 है और मेरी जो वैल्यू है वो है कुछ -100 और -50, इसको मैं रन करता हूँ और यू सी दैट -100 दो करके 1 आ गया और 50 माइनस, ठीक है ना, आई -100 किया। अगर मैं इसको अगर आई करता सिर्फ, तो मेरे को इसका जो इंडेक्स आता वो पॉजिटिव आता, इट विल कम लाइक पॉजिटिव, वो आता क्या, एक होता 0 और एक होता 50, ठीक है ना, सही से आ रहा है ना। आई -100 प्रिंट करना है, क्या प्रिंट करना है मेरे को, आई -100, यस ना। तो अब जैसे ही वैल्यू आया अरे आई गिर जीरो, हो सकता है कि फ्रीक्वेंसी 2 बार आ जाए, यस या नॉट, अगर अरे में हो सकता है 2 2 बार आ जाए, हो सकता है कि नहीं? तो वाइल अरे ऑफ आई ग्रेटर देन 0, आप क्या करोगे, सी आउट आई -100, आप इसको करते जाओगे और अरे ऑफ आई को माइनस करते जाओगे, जब तक ये 0 नहीं होता है तब तक आप इसको प्रिंट करते जाओगे। ये बात समझ आया क्या? ये बात समझ आ रहा क्या, ये बताओ। ये बात समझ आया व्हाइल लूप का किया मैंने, ये हो सकता है फ्रीक्वेंसी मल्टीपल टाइम्स हो ना, इसमें क्या है कि एक ही बार काउंट होगा ना फ्रीक्वेंसी, व्हाइल लूप में जब तक होगा जब तक वो 0 नहीं हो जाता। लेट्स ट्राई टू सबमिट द कोड, ओके, तो देयर इज अ न्यू कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी अरे, सो इसको मैप से भी कर सकते थे, एसटीएल में एक मैप कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उससे भी कर सकते थे, पर मेरे को लगा नया न्यू टेक्निक बताते हैं तो ज्यादा अच्छे रहे। देखो एक्सेप्टेड हो गया कोड ना, तो मल्टीपल वे यू कैन सॉल्व प्रॉब्लम, आप मल्टीपल वे में सॉल्व कर सकते हो प्रॉब्लम को, बात समझ आया बात? हम्म।